हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी रंगदास। आप सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, आज नागपंचमी है, श्रावणी का सोमवार भी है। बहुत 19 साल के बाद ये बहुत अच्छा संयोग बना है। बहुत सारी राशियों के लिए अच्छी बात है और बहुत सारी राशियों के लिए खराब दिन है। और मैंने अपनी बहुत सारे लोग जो भी मुझे मानते हैं सबको मैंने मैसेज किया है। आज काल सर्प योग का भी उन पर प्रभाव है। और जैसे कि 2023 बहुत महत्व है, मैंने पहले भी कहा था कि 2024 में हो सकता है कि कुछ राशि वालों की कहते ना, ग्रह जो खराब थे वो जैसे ही ग्रह पांचवा साल पूरा होने वाला है वैसे ही आज भी से 6 महीना कुछ बाकी है, 6 महीने में सामने वाले की डेथ हो जाएगी। उसके लिए आज का दिन नागपंचमी का दिन बहुत बहुत महत्व रहता है। आज के दिन जो हम सबकी पूजा करवाते हैं ये पूजा पंडित के थ्रू ही करवा सकते हैं। इसमें क्योंकि आज के दिन सिर्फ काल सर्पियों की पूजा नहीं होगी, नाग नागिन मनसा देवी की पूजा होगी। यहाँ पे बहुत सारे जोड़े जो मुझसे पूजा पाठ करवाते हैं, जो लोगों को लगता है कि उनका प्यार हमेशा के लिए चला गया, कुछ हो गया, वो सारी चीज़ें दूर करते हैं। बहुत सारा कर्जा हो गया, घर में गंदी बीमारी है, ये सारी पूजाएं आज कष्ट निवारण का काम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने कहा है काल सर्प योग की वजह से आज कुछ टाइमिंग तक, मतलब कहते हैं ना, कुछ राशियों वालों के लिए, जैसे क्या बोलते हैं, मिथुन राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, फिर उसके बाद कहते हैं सिंह राशि हो गई, तुला राशि हो गई, मीन राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, इन राशियों को अगर 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले तो ही अच्छा है। क्योंकि कुछ भी काल आपके सर पे मंडरा रहा है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है छोटा सा या कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम पंडित तो पागल हैं क्या करें, हम किसी के लिए अच्छा बोलते हैं तो सबको बुरी लग जाती बातें। तो क्या है मालूम है, जब आप लोग भोगोगे ना तो ही पता चलेगा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो अपने हिसाब से अपना काम कर दिया है, अब आपको क्या करना है आप देखिए। दूसरी बात, देखो, मानो तो देव, नहीं मानो तो पत्थर। जो अभी आज हम नागपंचमी की पूजा इस तरह से करते हैं कि मैं तो जाके शिवलिंग पे कोई दूध दूध नहीं चढ़ाती हूँ। बस अभी हमारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग है उस पे और कृष्ण जी पे, क्योंकि आज सिर्फ शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, कहते ना, शिव बिन हरि नहीं, हरि बिन शिव नहीं। अगर आप शिव जी के साथ एक बाल गोपाल को भी अभिषेक करते हैं, क्योंकि नागपंचमी का दिन ऐसा होता है कि नाग देवता शिव जी के गले का हार भी हैं और विष्णु जी के शेष शैया भी हैं, मतलब उन्हीं पे उनको वही उनका गादी बन के उनके ऊपर कहते विष्णु जी आराम करते हैं। तो आज के दिन अगर ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय हरि का जाप करते हुए अगर आप अभिषेक करते हैं गन्ने के रस से, दूध, दही, शक्कर, शहद, केसर, इनसे अपने घर में ही पूजा कीजिए, बाहर जाके मंदिर में दिखावा करने की जरूरत नहीं करते हैं, तो भी आपसे बड़ी से बड़ी आपदाएँ दूर होती हैं। दूसरा, आज हमने पहले ही कहा है, आज मैं खुद मंदिर में जाके, शाम को हमारे साथ मीडिया आएगी, सब आएंगे, हमारी महिला मंडल रहेगी, हम आज जाके खीर का प्रसाद बांटेंगे। क्योंकि कहते हैं नागपंचमी के दिन घर में खीर बनाना बड़ा शुभ रहता है, तो नागपंचमी के दिन हम खीर का प्रसाद बांटेंगे। क्योंकि मेरा मानना नहीं है कि शिव जी पे जाके दूध का वो करें, क्योंकि वो गटर में जाता है, गटर में दूध वेस्ट होता है। गाय माता अपनी, कहते ना, गाय माता अपने स्तन से वो दूध देती हैं, और उस स्तन दूध को अगर हम ऐसे बहाएं तो गलत होता है। क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, सिर्फ स्वामी समर्थ एक मंदिर ऐसा है जहाँ स्वामी की पूजा करके दूध को प्रसाद बना के लोगों में बांटा जाता है। इसलिए ओम श्री स्वामी समर्थाय नमः, बप्पा स्वामी सर्वदा वामसा पाटीशी रहा। देखिए, मैंने भी अभी आपको दिखा रही हूँ, अभी मैं कुछ तालों का काम करने जा रही हूँ स्पेशल लोगों, क्योंकि कुछ स्पेशल लोगों को ना अब मुझे 72 घंटे में विद्या देवी की पूजा की ताकत बतानी है। क्योंकि क्या है ना, मैं जितना भी जो लोग मुझसे पूजा कराते हैं करते हैं, जितना भी इन लोग को समझाओ, सबके सब मुझे पागल में गिनती करते हैं, क्या कर लेगी ये, कौन है ये, क्या इसकी औकात है, मेरी औकात क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर लूँगी, वो सिर्फ मैं जानती हूँ, समझ लो। मैं किसी को बड़ा बड़ा दिखावा नहीं करती हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर की जानती हूँ या जानती हूँ। भले मैं उद्धव वाला साहब ठाकरे के लिए अपने भाई के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, लेकिन कभी किसी को उनकी भी पहचान नहीं बताई कि मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। नहीं, मेरी पहचान ये है कि मैं विद्या देवी हूँ, विद्या देवी एस्ट्रोलॉजर, बगलामुखी चैनल चलाती है, एक तांत्रिक हूँ, और मेरे में इतना दम है कि मैं किसी के भी अच्छे अच्छे गांड मार सकती हूँ और बैंड बजवा सकती हूँ, समझ रहे हो। मैं कहते ना, आज नाग नागिन के दिन मैं बताऊँ ना, मैं खुद एक शंकर भगवान के गले का हार हूँ, एक ऐसी नागिन हूँ जो डसने से पहले 10 बार पूछेगी भी नहीं आपको कि मैं डसूँ कि क्या करूँ, कैसी बात है। पहली बात तो मैं किसी के नाद में लगती नहीं, कोई मेरे नाद में लगे तो छोड़ता नहीं। जो लोग मेरे नाद में लगे हैं उन सबको आज की तारीख में पता है, ये रोड के भिखारी बन चुके हैं, 10-10 पैसे के लिए भीख मांग रहे हैं, है ना, ऐसी बात है। मुझे कॉल आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं, काम दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं देना है। जब दिया था तब क्यों नहीं ईमानदारी निभाई, जब काम दिया था
तब क्यों नहीं ईमानदारी निभाई? ऐसी बात है ये, अभी के लिए नहीं, जब मेरे को नशा दिया जाता था जो मेरे घर में सब काम करती थी उन लोगों के लिए है कि ऐसी बात है, जाने दो, उसका मतलब नहीं। लेकिन एक बात है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, पहली बात। अभी दूसरी बात यह है कि 72 घंटे में सबक सिखाएगी विद्या देवी। देखिए ये पात्र है जो मैं इस पात्र से माँ काली को प्रभोग देती हूँ, ये कल का है, कल रात को भी इसी में मैंने नमक के काम की पूजा की थी और वापस इसमें वापस नमक के काम की पूजा होगी, जिसमें बिबुआ डाला जाएगा। देख रहे हैं आप, ताला डाल रखा गया है। ये पानी और ये दूध तो हम अभी कृष्ण जी को और हमारे शिव जी को अभिषेक करेंगे, वो फोटो डालूंगी मैं। लेकिन ये वादा ज़रूर है कि आज जो मैं बड़ा करूँगी मैं, क्योंकि अगर मैं माँ बगलामुखी की पुजारी हूँ, विंध्यवासिनी की बेटी हूँ और विंध्यवासिनी मेरी माँ है, तो आज वो अपनी बेटी की लाश ज़रूर रखेंगी, औकात तो दिखाएंगी। क्योंकि बार बार मेरे ग्रुप वालों को मैसेज करने के बाद भी कोई मुझे जवाब नहीं देते, मुझे इग्नोर करते हैं, चूते में गिनती करते हैं। कोई बात नहीं, करो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो लोगों के लिए कर रही हूँ करूँगी मैं अपना काम। कल है दूसरा मंगलवार और तीसरा मंगलवार है मेरे कहने मेलड़ी माँ और मंगल माँ के व्रत का। मैं हमेशा अपनी मंगल माँ का व्रत वेट करती हूँ कि मंगल माँ आउसे, मतलब मेरी मंगल माँ आएंगी, ज़रूर आएंगी। और कल मैं जाऊँगी काड़ूबाई, क्योंकि मैंने मन्नत ली है 7 मंगलवार का, तो कल मैं जाऊँगी काड़ूबाई की मूर्ति लेके जाऊँगी और घुटने के बल पे ही, मैंने माना है 7 मंगलवार तक मैं घुटने के बल पे सीढ़ियाँ चढ़ के माँ की पूजा करूँगी। अब मुझे ये देखना है कि मेरी माँ मेरा क्या सुनती है। अगर मांडा जी काड़ूबाई है ना सच्ची ऊपर पर्वत पे बैठी है ना, अपने मांडर से पर्वत पे बैठी है ना, तो या तो माँ मैं कल आऊंगी तेरी सीढ़ियाँ चढ़ूंगी, या तो मुझे तो जीता देना या तो मुझे अपने पहाड़ से गिरा के मार देना। अगर तेरे में दम है, आज पहली बार विद्या देवी काड़ूबाई को चैलेंज कर रही है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। क्योंकि अगर तू तो सच्ची मेरी माँ है, बचपन से मैंने तेरी पूजा की, निस्वार्थ मन से बचपन से तेरे लिए किया है। ये जो लोग मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, इस तरह से मेरी बैंड बजाने को देख रहे हैं, जो कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं सबका अच्छा की हूँ, है ना साला। पहले देती आती थी तब अच्छी थी, अभी जब देना बंद कर दिया तो लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया, चलो ठीक है। उसके बाद मुझे नशे में चली गई तो भी चलो सबको माफ़ किया, अब मैं अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ तो भी इन कुमाता जैसी औरतों को इनके भोसड़े में इतनी गाढ़ में मिर्ची है रंडी छीना लोग के, कि अपना घर का काम धंधा नहीं देखते लेकिन विद्या देवी किससे गाढ़ मरवा रही वो ज़रूर देखते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं अपने काड़ूबाई को, मैं तो अपनी माँ से झगड़ा करूँगी, तो काड़ूबाई से एक ही विनती है, अगर तेरे में ताकत है, तू सच में बैठी है और तू सत्तत्व की देवी है, तू सच्ची देवी है, तुझे बाधावजी पाटिल ने अगर सच में कामाख्या से ले गया है ना माँ, तो मेरी पूजा भक्ति का थोड़ा भी मान होगा अगर मैं सच्चे मन से तेरी घुटने पे सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ ना, तो कल तेरी सीढ़ी चढ़ के पूजा उतरते समय तू उन सबको अपनी औकात पे ला के दिखाएगी, उन सबको ऐसा सबक सिखाएगी, लकवा मार दे, एक्सीडेंट कर दे, मार दे, खून कर दे, जो करना है कर दे, लेकिन 72 घंटे बीतने से पहले इनकी हस्ती मिटा दे। साले जात की रंडी लोग 10 के साथ चुदवाती है भोसड़ी छिनाल चौधरी के लोगों को, इन लोग शरीफ जाती बनती है, और मैं साला यहाँ पूजा पाठ करती हूँ, गांड मरवाती हूँ लोगों के लिए, दिन भर पूजा करती हूँ, मैं पागल दिखती हूँ। तो मैं यही बोलूँगी, या तो तू मेरी सगी माँ होगी जो मुझे पर्वत चढ़ने से पहले इनकी बैंड बजेगी, या तो मुझे पर्वत से गिरा के मार देगी। वो तो कर सकती है, तेरे में दम नहीं है ना मेरे दुश्मनों को सबक सिखाने का, तू मुझे पर्वत से गिरा के मार तो सकती है ना, मार दे, मैं समझ जाऊँगी तेरी बेटी तेरे पास बलि चढ़ गई, ये बात है। क्योंकि मुझे नहीं रोकते पूजा करने से, ये तेरे को चैलेंज करते हैं, तेरे भक्त बनते हैं। जब देखो काड़ूबाई छी चांग भले, काड़ूबाई छी चांग भले कर करके सबकी गांड मारने को देखते हैं, है ना, इनकी औकात इनको दिखानी है, बस इतना चाहती हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं बोलूँगी। क्योंकि आज मैं नाराज लोगों से नहीं, आज मैं नाराज सिर्फ अपनी काड़ूबाई से हूँ, आज नाराज सिर्फ मैं अपनी विंध्यवासिनी माँ से हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी पूजा पाठ करने के बाद अगर तेरे बीच में कोई आ जाता है, तेरे भक्त को कोई रास्ता रोकता है, तो फिर तेरे रहने का क्या मतलब है ना, तेरी पूजा का क्या मतलब है। लेकिन तो भी मैं तेरी पूजा करूंगी। अब मैं कल देखती हूँ कि मेरी माँ मेरा कितना साथ देती, बस। जय माता दी।